रिया की बढ़ सकती हैं मुश्किलें, रिया के खिलाफ एक और लीगल केस हो सकता है फाइल, सुशांत सिंह राजपूत की फैमिली के बाद अब कौन रिया के खिलाफ कोर्ट जाने की कर रहा है तैयारी? वेल, रिपोर्ट्स के मुताबिक सुशांत सिंह राजपूत के अच्छे दोस्त मुकेश छाबड़ा रिया के खिलाफ लीगल एक्शन ले सकते हैं और उनका कहना है कि रिया उनसे रिवेंज लेने की कोशिश कर रही हैं। दरअसल एक रिपोर्ट में ये खबर आई थी कि रिया ने बैन सब्सटेंसेस के यूज के मामले में मुकेश छाबड़ा का भी नाम लिया है। मुकेश छाबड़ा ने रिया के एलिगेशन पर एक डिटेल्ड स्टेटमेंट दी है। वेल, इससे पहले कुछ रिपोर्ट्स में ये क्लेम किया गया कि रिया ने एनसीबी के सामने रकुलप्रीत सिंह और सारा अली खान का नाम लिया है और जल्द ही इन एक्टर्स को पूछताछ के लिए समन भेजा जा सकता है। यहाँ सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात है कि इस मामले में रकुलप्रीत सिंह और सारा अली खान की टीम की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आया है। आपको बता दें कि रिया इस वक्त एनसीबी की जुडिशियल कस्टडी में है और फिलहाल के लिए उन्हें सेशन कोर्ट से बेल नहीं मिली है। वहीं अब बात करें रिया के एलिगेशन के खिलाफ आए मुकेश छाबड़ा के एलिगेशन की, तो मुकेश छाबड़ा ने अपने स्टेटमेंट में कहा है, She is just naming any and everyone randomly. Maybe she thinks it will help her case. But this is not fair. I have nothing to do with of any kind. I don't even smoke cigarettes or drink alcohol. So where's the question of consuming hard? आगे मुकेश छाबड़ा ने कहा, आखिर रिया ने उनका नाम क्यों लिया है? He said, She's taking revenge on me for not speaking up in my defense. I have kept quiet. I decided that this is the best way to let the current furor die down. But now by naming me for consuming, Rhea has seriously compromised my name. I need to clear my reputation. Yahi nahi, according to reports, Mukesh Chhabra Rhea ke khilaf legal action lene ja rahe hain. We are definitely taking legal action against Rhea. We are now looking at what remedy and legal action is most appropriate. But I'd sincerely advise Rhea to not throw around names to deflect attention from herself. It won't help her. I can't speak for others, but my name has been dragged into this purely with malicious intent. Well, Mukesh Chhabra to openly legal action lene ki baat kar rahe hain. Ab dekhne wali baat hogi, kya baki Bollywood celebs jinka naam is banned substance case mein saamne aa raha hai, क्या वो भी यही रास्ता चुनते हैं या फिर वो अपने साइलेंस से ही देंगे जवाब?